हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स टॉक। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अभिषेक है और मेरे साथ शशांक भी जुड़े हुए हैं। और आज 32वां मैच है, दिल्ली के सामने पंजाब की चुनौती है। और ये मैच पुणे में नहीं पुणे में नहीं खेलेगा जाएगा, ये मैच खेला जाएगा ब्रेबोर्न स्टेडियम में, क्योंकि वो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया था। खैर, मैच कहाँ पर भी खेला जाए, चाहे पुणे में खेला जाए चाहे मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाए, हम अपनी मैच खेलते हैं, अपनी फैंटेसी 11 तैयार करते हैं। और आज फिर से हमने अपनी फैंटेसी 11 तैयार की, लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच, एक बार फिर से मैं हाथ जोड़कर सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा कि इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप हमें करते हैं। और कल रात को भी इंस्टाग्राम पर शशांक जी ने बहुत सारे मैसेज मेरे पास भी आए थे एंड टेलीग्राम पर भी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि कमाल की टीम आपने बनाई है। और सबसे ज्यादा लोग वही बात कहते हैं कि 4 से 5 मिनट में आप टीम बताते हैं। थैंक यू सो मच इतना यू नो सपोर्ट करने के लिए। और यही एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि क्या टीम बनानी है वो हम उस पर रिसर्च करेंगे। आप हमारी टीम को देखिए, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप इसी को स्किल मानकर आप अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की टीम हम दिखाते हैं। बाएं तरफ शशांक की, दाहिने तरफ अभिषेक की टीम होगी और मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली बनाम पंजाब के बीच में। तो टीम इस तरीके से है, क्या हमने टीम बनाई है, किस तरीके से किसे कैप्टन बनाया, किसे वाइस कैप्टन बनाया, ये आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। और तगड़ी टीम शशांक आपने बनाई है और मेरी भी टीम काफी जबरदस्त। बिल्कुल अभिषेक, मेरी जो टीम है बाई तरफ शशांक 11, उसमें देखिए ऋषभ पंत और जितेश शर्मा को मैंने जो है विकेट कीपर रखा है, ठीक है। उसके अलावा 3 बल्लेबाज मैंने रखे हैं, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन को, जबकि अक्षर पटेल और लियाम लिविंगस्टोन को मैंने बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किया है। कप्तान मैंने बनाया हुआ है लियाम लिविंगस्टोन को। अभिषेक गेंदबाजी भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी तो खैर धाकड़ हो ही रही है। कुलदीप यादव को मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, खलील अहमद को रखा है मैंने, उसके अलावा कगिसोर अबाडा को और साथ ही साथ दीप सिंह को रखा है मैंने। मेरे ये 4 गेंदबाज हैं, ठीक है। कप्तान मेरी टीम में लिविंगस्टोन हो गए और उप कप्तान मेरे कुलदीप यादव हो गए। बिल्कुल, अगर मैं अपनी टीम की बात करूं शशांक, तो मैंने यहां पर शर्मा को, यानी कि जितेश शर्मा को मैंने विकेट कीपर के तौर पर रखा, और साथ ही साथ ऋषभ पंत को, यानी कि सेम 2 विकेट कीपर मैंने भी अपनी टीम में रखे हैं। इसके अलावा डेविड वार्नर को मैंने बैटर के तौर पर रखा, साथ ही साथ शिखर धवन है और पृथ्वी शॉ है। डेविड वार्नर को मैंने इस समय कैप्टन बनाया, पिछले मैच में भी डेविड वार्नर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और मैंने इनको कैप्टन बनाया। पृथ्वी शॉ भी मेरे पास ऑप्शन थी, लेकिन थोड़े से हाई रिस्क खेलते हैं इसलिए मैंने इनको कप्तान नहीं बनाया है। और शिखर धवन को लॉ ऑफ एवरेजेस की वजह से मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया है। यहां पर मैंने 2 ऑलराउंडर रखे हैं, एक तरफ अक्षर पटेल होंगे और लियाम लिविंगस्टन होंगे। और लियाम लिविंगस्टन मैक्सिमम पॉइंट आपको हमेशा दिलाते हुए नजर आए, तो मैक्सिमम पॉइंट अगर लेने, एक्स फैक्टर है मेरी टीम के लियाम लिविंगस्टन। अक्षर पटेल पर फिर से मैंने दाव लगाया शशांक। 4 जो मैंने गेंदबाज रखे हैं उसमें मैंने मुस्तफिजुर रहमान को रखा है, इसके अलावा कुलदीप यादव को रखा है, खलील अहमद को रखा है और राहुल चहर को रखा है। और इसमें आप नोट कीजिए कि मैंने जो यहां पर एक स्पिनर जो है, यहां पर कुलदीप यादव और एक स्पिनर पंजाब से मैंने राहुल चहर को लिया, यानी कि एक एक स्पिनर मैंने यहां से रखे हैं शशांक। लेकिन 2 जो मीडियम पेसर हैं मैंने प्रेफर किया है दिल्ली की तरफ से, मैंने लिया है खलील अहमद और मुस्तफिजुर रहमान को लिया है। और पंजाब की तरफ से ना लेने का रीजन यह है कि वो अब तक अगर आप रिसर्च करेंगे देखेंगे जो उन्होंने विकेट अब तक हासिल किए वो शेयर किया है, वो शेयरिंग बेसिस पर है। हाँ, कि एक मैच में आपने ले लिया 2 विकेट तो फिर किसी और ने ले लिया। इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है वो दिल्ली की टीम में दिखा है। खलील अहमद ने 3 विकेट लिए हैं, मुस्तफिजुर रहमान विकेट निकाल कर चले जाते हैं। और यही एक छोटी छोटी बारीकी है जो कि स्पोर्ट्स टॉक अपने फैंटेसी टीम में बताता है शशांक। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए आप जो है टीम तो आप बना ही रहे हैं, मतलब हमारे गाइडेंस के साथ साथ अपने स्किल भी लगा रहे हैं। आपको भी कोई प्लेयर लग रहा हो कि नहीं यार ये प्लेयर लेना चाहिए तो आप वो भी ले रहे हैं, ठीक है। बट कभी आप जीतेंगे कभी आप हारेंगे, लेकिन एक चीज तो है कि गारंटी हमारी ये है कि अगर आप हमारे से गाइडेंस लेकर के आप सीख रहे हैं और आप खेल रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है फायदा उसमें मिलेगा। और कॉमेंट्स बता रहे हैं, लोगों के जो प्यार है वो बता रहे हैं टेलीग्राम पर। अभिषेक हमने अपडेट किया हुआ है और जो टॉस के बाद भी हम अपडेट करते हैं वहां पे, बिल्कुल जी। और कैसी टीम खिलानी है, पिछले 4-5 दिनों से तो मतलब भरा हुआ इंस्टाग्राम का मेरा मैसेज, राइट। लेकिन वो अधिकतर लोगों का ये प्यार बता रहा है, इसलिए आपको भी ज्यादा कुछ करना नहीं है। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, ताकि कोई भी अपडेट होगा सुबह सुबह टीम भी आपको वहां पर मिल जाती है, हमारा ये शो भी आप देख रहे हैं और लगातार देखते भी रहिए। और टॉस के बाद भी कोई अगर फेरबदल होता है तो वो भी अपडेट हम आपको दे देते हैं वहां पे, तो आपके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो द बेस्ट फैंटेसी 11 हम बनाते हैं, आई होप सो कि आपको पसंद भी आ रहा है। तो मिलते हैं एक नया मैच के साथ में, और वो मैच खेला जाएगा चेन्नई बनाम मुंबई के बीच में, बड़ा मैच होगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए।